नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी की रैली की नई तारीख सामने आ गई है। 27 जुलाई को राजस्थान आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीकर में होगी पीएम मोदी की जनसभा। अब खरनाल की जगह सीकर में यह जनसभा आयोजित की जाएगी। आज तय होगा सभा को लेकर जगह। आज सीकर आएंगे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर आज बैठक होने जा रही है। तो एक बार पीएम मोदी फिर से राजस्थान के दौरे पर, और इस बार उन्होंने चुना है शेखावटी के सीकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर पहुंचेंगे। तारीख तय हुई है 27 जुलाई। जगह तय होना अभी बाकी है। सौरभ ग्रस्ती जयपुर से और संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर की तरफ रुख करते हैं। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रदेश के दौरे पर हैं और इस बार चुना गया सीकर को। सौरभ, बिल्कुल, देखिए सीकर में पहले से ही तैयारियों का दौर जो है वो जारी था। अजमेर में जब पीएम मोदी आए थे उस वक्त ये बात चली थी कि अजमेर की जगह सीकर जो है वो आ सकते हैं, लेकिन आखिरी वक्त में अजमेर को जो है वो चुना गया। लेकिन अब एक बार फिर जो है वो कार्यक्रम में बदलाव जो है वो देखने को मिला है और नागौर की जगह पीएम मोदी सीकर आएंगे। ये भी वही बेल्ट है जो नागौर वाला बेल्ट ही इसे कहा जा सकता है कि किसान वर्ग का बहुल ये पूरा इलाका है और किसान वर्ग को साधने की कोशिश जो है वो अब पीएम मोदी राजस्थान में करना चाहते हैं, क्योंकि पहले मीणा गुर्जर समाज को जो है वो साध चुके हैं। गुर्जर समाज के जो तीर्थ है आसिन में, वहां पर पीएम मोदी आ चुके हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा के मानगढ़ में भी जो है वो पीएम मोदी का दौरा हो चुका। तो अब किसान वर्ग को साधने की कोशिश के तहत जो है वो ये कार्यक्रम हो रहा है और उसी के तहत पीएम मोदी 27 जुलाई को जो है वो सीकर आ रहे हैं। और सीकर में बीजेपी की स्थिति जो है वो काफी कमजोर है विधानसभा क्षेत्र में देखे तो, और इस लिहाज से पीएम मोदी चाहते हैं कि इस क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया जाए और उसी के तहत ये कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जी। और संदीप भी सीकर से हमारे साथ हैं। संदीप, क्या तैयारियां सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर? देखिए आसिफ, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो 27 जुलाई को तय हुआ है, तो अब सबसे पहले तो आज इसको लेकर के मीटिंग होनी है। जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी का कहना है कि आज जो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सीकर आ रहे हैं और आज मीटिंग में यह होगा कि प्रधानमंत्री की जो सभा है वो कहां पर करवाई जानी है। हालांकि फिलहाल प्रारंभिक तौर पर जिला स्टेडियम का ही नाम सामने आ रहा है, क्योंकि पहले भी दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर आए हैं और दोनों ही बार जिला स्टेडियम में सभा हुई। सीकर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि सीकर की बात करें आसिफ तो काफी कमजोर स्थिति में यहाँ भाजपा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 8 में से एक भी सीट यहाँ पर पार्टी ने नहीं जीती थी और उससे पहले भी जब 2013 का जो चुनाव हुआ था उस समय भी प्रधानमंत्री की यहाँ पर सभा हुई थी और पूरे प्रदेश में जब प्रचंड बहुमत 163 सीट भाजपा को मिली थी उस वक्त भी सीकर में 8 में से 5 ही सीट जो है वो पार्टी जीत पाई थी, यानी कि बहुत कोई ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं रही है। तो निश्चित रूप से अब इस जो 2023 का जो चुनाव है उसमें पार्टी अपने आप को काफी मजबूत करना चाहेगी और इसके लिहाज से जो सीकर का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। सबसे अहम बात ये भी है क्योंकि किसान, जैसे अभी सौरभ बता रहे थे, पूरा जो इलाका है वो किसान बाहुल्य है और उस पर देखते हुए भी किसानों को साधने की कोशिश कही जा सकती है। अब देखना ये होगा कि संदीप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल सौरभ और संदीप, आप दोनों साथियों का शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।